हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बीपी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें होता क्या है। फ्रेंड्स, इसमें हम पता करेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, और बीपी हम कैसे मेजर करते हैं और किस टाइम पे हमें बीपी मेजर करना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब थोड़ा बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कफ। इसको हाथ के ऊपर वाली पोर्शन पे, हम हाथ के ऊपर वाले पोर्शन पे इसको बांधते हैं। फ्रेंड्स, इसको पंप कहते हैं। ये इसका ऑन ऑफ होता है। इसको लूज करते हैं और इसको टाइट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको यहाँ से बीपी इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमने इसको खोल दिया है, अब इसको ऐसे करके कनेक्ट करेंगे। ये हमने कनेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये इसका ऑन ऑफ होता है। इसको हम ऐसे करके ऑफ कर देते हैं और ओपन जब करना होता है तो इसको हम डाउन कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो ये वाला पोर्शन है जिसमें नंबरिंग होती है, इससे हम पता करते हैं कि हमारा जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो हाई है या लो है या मीडियम है। इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है इस नंबरिंग के थ्रू। ये इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसमें मरकरी होती है। जैसे ही हम कप को हाथ में बांध लेते हैं, बांधने के बाद पंप को ऐसे करके पुश करते हैं, तो जो ये हमारा मरकरी होता है, ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, हमें इन सब चीज़ों, बीपी इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ हमें स्टेथोस्कोप की भी आवश्यकता होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो बीट है, जो हमारे हार्ट की जो बीट है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो उसके लिए हमें इसकी भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा बहुत हम स्टेथोस्कोप के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको ईयरपीस कहते हैं, जिसको दोनों कानों में लगाते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो ये ट्यूबिंग वाला पार्ट होता है, इसको ट्यूब कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, इसको डायफ्रैगम कहते हैं और इसके पीछे वाले पोर्शन को बेल कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका यहाँ से ऑन ऑफ होता है। इसको ऐसे करके मोड़ते हैं, उसको ओपन करते हैं और ऑन ऑफ यहाँ से किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी का ब्लड प्रेशर मापते हैं या नापते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें पेशेंट के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि पेशेंट को पहले से बीपी की शिकायत तो नहीं है। अगर पेशेंट को बीपी की शिकायत नहीं है या फिर पेशेंट कमज़ोर है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि पेशेंट की अगर कोई कंप्लेंट्स होती है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या फिर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम पेशेंट का बीपी मेज़र करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हम बीपी कैसे नापेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कप को हाथ में बांधेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कप को हाथ में टाइट करके बांध लेंगे, हाथ के ऊपरी वाले पोर्शन में। बांधने के बाद फिर इस पंप के इस नट को हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम इसको धीरे धीरे करके पुश करेंगे। जैसे हम धीरे धीरे करके पुश करेंगे, हमारा जो ये मरकरी होता है, ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। फिर जब जैसे ही हम 200 तक लेके आएंगे मरकरी को, फिर इसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से उसको, इस पंप को ढीला छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा मरकरी होगा वो नीचे की ओर डाउन, नीचे की ओर आने लग जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा जो ये पॉइंट होता है जहाँ से मरकरी बीट करते हैं, अगर फ्रेंड्स हमारी मरकरी की बीट 120 से लेके 80 तक होती है, तो हमारा जो प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर, वो कितना होगा, नॉर्मल होगा। और अगर 100 से नीचे की ओर आता है, जैसे 100 हो गया, मरकरी का बीट करना स्टार्ट हुआ 100 से लेके 60 तक, तो हमारा जो बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो कितना होगा, डाउन होगा, कम होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। और हाई की बात करेंगे हम फ्रेंड्स, तो वो कितना होना चाहिए, 140 से लेके 80 तक, जो हमारा जो हार्ट बीट होगी
हार्ट बीट होगी उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर कोई पेशेंट बुजुर्ग है तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा आता है, और अगर फ्रेंड्स कोई नॉर्मल पेशेंट है जैसे टीनेजर की एज में है, या फिर नॉर्मली पेशेंट जैसे 30-45 तक की है एज उनकी, तो उनका क्या होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। फ्रेंड्स, जो ये नंबरिंग होती है इसके थ्रू हम पता करते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। फ्रेंड्स, जो ये 100 से 280 तक की जो नंबरिंग है इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जो 100 से नीचे है 20 तक जितनी नंबरिंग है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। फ्रेंड्स, हम पेशेंट का बीपी उस टाइम पे लेते हैं अगर कोई पेशेंट बीमार हो, ज़्यादा लंबे टाइम से बीमार हो, या फिर उसको चक्कर आ रहे, थकावट हो रही है, कोई भी काम करते करते उसके हाथ में अकड़न जैसी होती है, काम करने का मन नहीं होता है, आंखों के सामने धुंधलापन आता है, चक्कर आने लगते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसका बीपी मेजर करते हैं, प्यास लगती है पेशेंट को। फ्रेंड्स, जो हम बीपी नापते हैं उसका भी एक तरीका होता है। जैसे ही हम अगर किसी का बीपी मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पेशेंट स्टेबल होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट अचानक से आ जाता है और हम उसका बीपी मेजर करते हैं तो क्या होगा, जो उनका जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें पेशेंट को 10 या 15 मिनट तक रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स करने के बाद हमें बीपी मेजर करना चाहिए ताकि जो हमारा जो बीपी हो वो करेक्ट आ जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।